हेलो, गुड आफ्टरनून। सो लेट्स स्टार्ट। आपको याद होगा लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्फीयर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्फीयर्स की बात शुरू की थी। तो कल थोड़ा सा सेशन शॉर्ट हो गया था बिकॉज ऑफ सम नेट इश्यूज। सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन फ्रॉम देयर। ठीक है, आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू पे कंप्लीट अटेंशन सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड द थिंग्स। कल अगर आपको याद होगा, हमने हॉलो कंडक्टिंग, हॉलो नॉन कंडक्टिंग और सॉलिड कंडक्टिंग के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिकल फील्ड इनसाइड आउटसाइड, पोटेंशियल इनसाइड आउटसाइड, इलेक्ट्रिकल फील्ड वर्सेस आर का ग्राफ, पोटेंशियल वर्सेस आर का ग्राफ, ये हमने कर लिया था। और हम बात करने वाले थे पोटेंशियल एनर्जी की। सो लेट्स टॉक अबाउट पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, सो दिस इज सपोज हॉलो कंडक्टिंग और सॉलिड कंडक्टिंग हमने लिया था। इफ यू रिमेम्बर, तीनों का सेम है बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिकली तीनों सेम है। बिकॉज अगर आप सेम रेडियस का एक हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर, हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर या सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर लोगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिकली दे ऑल आर इक्विवेलेंट। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? इलेक्ट्रोस्टैटिकली दे ऑल आर इक्विवेलेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिकली दे ऑल आर इक्विवेलेंट? मतलब अगर हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से इन तीनों को देखें तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से ये तीनों सिमिलर ही हैं, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो सॉलिड कंडक्टिंग है, सो सॉलिड कंडक्टिंग है तो ये जो चार्ज है ये चार्ज सॉरी सॉलिड कंडक्टिंग है तो ये जो चार्ज है ये चार्ज सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे रहेगी। आप अगर कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज देते हो ये पूरा का पूरा चार्ज सरफेस पे रहेगा। अब हमें इसका पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस स्फीयर? यू हैव टू फाइंड आउट पोटेंशियल एनर्जी। अब ये पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालें, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। तो पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम मैंने कल आपको एक्सप्लेन किया था, फिर से वो चीज़ बता रहा हूँ कि हमारे पास सबसे पहले एक अनचार्ज स्फीयर होगा और हम इन्फिनिटी पे मान लो क्यू चार्ज रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी से ये चार्ज को लाके इस सरफेस के ऊपर जिसकी रेडियस स्फेरिकल सरफेस है, जिसकी रेडियस आर है, सॉलिड कंडक्टर है, इसकी रेडियस आर है, इसके ऊपर चार्ज रखेंगे। तो पहला जो चार्ज हम ला के रखे होंगे तो उसको रखने के लिए हमें कोई भी वर्कडन नहीं करना पड़ा होगा। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे हम चार्ज लाएंगे हमें वर्क डन करना पड़ेगा बिकॉज जो चार्ज मौजूद है ऑलरेडी इस स्फीयर के ऊपर उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है उस इलेक्ट्रिकल फील्ड में फिर से पॉजिटिव चार्ज लाने के लिए कुछ रिपल्सन उस पॉजिटिव चार्ज को फील होगा। तो उसको उसको ला के स्फीयर में रखने के लिए हमें कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा एज एन एक्सटर्नल एजेंट। और जो हम वर्क करेंगे वही इस सिस्टम के अंदर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगी। आपको ये स्टोरी पता है। तो मैंने क्या बोला था कि मान लो किसी इंस्टेंट पे, किसी टाइम टी पे इस स्फीयर के ऊपर चार्ज प्लस क्यू आ चुका है और प्लस क्यू है और हम फाइन मान लीजिए कि हम एक डी क्यू चार्ज अब यहाँ से इसके ऊपर ला रहे हैं, एक्स्ट्रा एक डी क्यू चार्ज। तो जो डी क्यू चार्ज लाएंगे तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेज हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू इंटू डी वी या डेल वी। तो डेल वी क्या है? डेल वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस एट इंफिनिटी एंड द पोटेंशियल डिफरेंस एट द सरफेस ऑफ दिस स्फीयर। इस स्फीयर के सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, सॉरी पोटेंशियल कितना हो जाएगा, विल इट बी इक्वल टू के क्यू बाय आर? तो ये इनिशियल है, ये फाइनल है। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल व्हिच इज इक्वल टू यू नो पोटेंशियल एनर्जी माइनस वर्क डन एक्सटर्नल इक्वल टू माइनस वर्क डन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। So minus work done by electrostatic forces is equal to U initial minus U final. तो U initial minus U final अगर करेंगे तो इसको लिखना पड़ेगा U initial minus U final. The potential energy that is the work done by external forces. So U initial कितना है? U initial infinity पे potential energy कितनी होती है? Zero minus U final is equal to integration of dQ. dQ तो हमने dQ charge ही लाया है। पर डेल वी क्या हो जाएगा? डेल वी इज द चेंज इन पोटेंशियल दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल की वैल्यू है के क्यू बाय आर। और ये वैल्यू कहां से कहां तक लेके जाया जा रहा है? इट इज क्यू की वैल्यू जीरो से लेके प्लस क्यू तक है। ठीक है, तो जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज स्टोर्ड एज द पोटेंशियल एनर्जी दैट विल बी गिवन बाय के बाय आर, बाहर निकाल लो
you will get q square by 2 and that will vary from 0 to plus q. इस इंटीग्रेशन को देखो, क्या ये आ जाएगा k by r into q square by 2, ठीक है, which is half k q square by r और k q square by 2 r. ये आया आपका पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ये आपको याद रखना. तो सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर जिसके ऊपर चार्ज q है प्लस q, उसको बनाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ेगा एक्सटर्नल एजेंट को, विच विल बी इक्वल टू व्हाट, विच विल बी इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाय 2 r, ठीक है. एंड ये जो एनर्जी है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है, इट इज स्टोर्ड वेयर, इट इज स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रिकल फील्ड. और ये इलेक्ट्रिकल फील्ड कहां से एमनेट होंगी, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस एमनेट होंगी सरफेस से और इनफिनिटी तक जाएंगी. मतलब ये जो एनर्जी है के क्यू स्क्वायर बाई 2 r, ये कहां से कहां तक फैला हुआ होगा, सरफेस ऑफ द स्फीयर से इंफिनिटी तक. नो, इट इज माइनस uf, इट इज पोटेंशियल एनर्जी फाइनल. तो वर्क डन इज स्टोर्ड एज दिस, राइट, ठीक है. तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल हम बोल रहे हैं, व्हिच इज इक्वल टू हाफ के क्यू स्क्वायर बाय r. तो आप जो पोटेंशियल एनर्जी फाइनल बोल रहे हो, पोटेंशियल एनर्जी जो बोल रहे हो वो नेगेटिव में आएगी, दैट इज फाइन बिकॉज रिपल्शन हो रहा है यहां पे. बट वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, बिकॉज ये वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, राइट, ओके, इट इज इक्वल टू हाफ इनटू के क्यू स्क्वायर बाय r. सो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम. मतलब इसको बनाने के लिए इतना वर्क डन करना पड़ेगा एक्सटर्नल एजेंट को. क्या बात समझ में आई है? तो ये हमने सॉलिड कंडक्टिंग, हॉलो कंडक्टिंग और हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के सारे केसेस देख लिए, ठीक है. हमने क्या क्या निकाला, आप लास्ट क्लास का डिस्कशन याद कीजिए. हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड इनसाइड, इलेक्ट्रिकल फील्ड आउटसाइड, पोटेंशियल इनसाइड, पोटेंशियल आउटसाइड, इलेक्ट्रिकल फील्ड वर्सेज आर का ग्राफ, पोटेंशियल वर्सेज आर का ग्राफ, ये सब चीजें देख लिया था. हम अभी इस पोटेंशियल एनर्जी, द लास्ट थिंग दैट वी आर टॉकिंग इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम मतलब सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर में प्लस क्यू चार्ज लाने के लिए एक्सटर्नल एजेंट को जितना वर्क डन करना पड़ेगा, वो वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम, व्हिच इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाय 2 r. एंड दिस एनर्जी, वेयर यू विल फाइंड दिस एनर्जी, दिस एनर्जी विल बी फाइंड इन द इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑफ दिस सॉलिड कंडक्टिंग, हॉलो कंडक्टिंग और सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, सॉलिड कंडक्टिंग, हॉलो कंडक्टिंग और हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर. एंड इट विल एक्सटेंड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द स्फीयर टू इंफिनिटी. क्या मेरी बात समझ में आई है? सरफेस ऑफ द स्फीयर टू इंफिनिटी, क्लैरिटी है ये? तो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. अब आइए, वापस आइए, अब हम बात करेंगे सॉलिड नॉन कंडक्टिंग. सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर आगे के तीनों स्फीयर से अलग है, बिकॉज सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में जहां जहां मास है वहां वहां चार्ज है. क्योंकि सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में जहां जहां मास है वहां वहां चार्ज है. मतलब जैसे सॉलिड सॉलिड, अगर हम पर एक सॉलिड स्फीयर है, मास कहां पे प्रेजेंट है? मास थ्रू आउट प्रेजेंट है, सारे वॉल्यूम में प्रेजेंट है. तो जहां जहां मास प्रेजेंट है वहीं वहीं चार्ज प्रेजेंट है. तो दिस इज अ टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर. इसीलिए सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में आप क्या डिफाइन करते हो, लैम्डा, सिग्मा या रो, क्या डिफाइन करते हो आप? ये आपको पता है, जल्दी से रेस्पॉन्स दो, ऐसा हमने पता नहीं कितनी बार किया हुआ है. क्या डिफाइन करोगे आप इसमें? गुड, सो यहाँ पे रो डिफाइन होगा, ठीक है, यहाँ पे रो डिफाइन होगा, विच इज हाउ वुड यू डिफाइन रो? सपोज हमने चार्ज क्यू दिया है सिस्टम को, तो रो विल बी क्यू डिवाइडेड बाई, अगर इसकी रेडियस r है, q डिवाइडेड बाय 4/3 पाई r क्यूब, दिस इज योर रो, ठीक है, ये आपका रो है, विच इज q बाय 4/3 पाई r क्यूब. क्या मेरी बात समझ में आई है? रो इज इक्वल टू q बाय 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है. गाइस, नाउ यू ऑल आर हियर, प्लीज गिव द टेस्ट, आई हैड पुट इट इन दैट व्हाइट बोर्ड. अगर आपके पास ऐप नहीं है, ऐप वहीं से डाउनलोड करें जो लिंक आपको भेजा गया, ठीक है.
आप गूगल प्ले स्टोर में जाके खुद से कोई टाइप मत कीजिए, यू मे गेट द रॉन्ग ऐप, राइट? तो आप वही ऐप डाउनलोड करें जो लिंक प्रोवाइड किया गया है आपको। प्लीज एंश्योर कि आप ये टेस्ट दे रहे हो, ये टेस्ट की ड्यूरेशन मैंने बढ़ा दी है, कल रात 12 बजे तक ये टेस्ट एक्टिव रहेगा, ठीक है? तो जिन लोगों ने ये टेस्ट नहीं दिया है, प्लीज एंश्योर दैट यू आर गिविंग द टेस्ट विदाउट फेल। आइए अभी हम सबसे पहले इलेक्ट्रिकल फील्ड की बात करेंगे, फॉर आर ग्रेटर देन आर एंड फॉर आर लेस देन आर, ये दोनों की बात करेंगे। फॉर आर ग्रेटर देन आर हमें एक गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा आर डिस्टेंस पे, समथिंग लाइक दिस। आप अपनी बुद्धि लगा सकते हो, अगर आर डिस्टेंस पे हमने एक गॉसियन सरफेस बनाया है आर ग्रेटर देन आर के लिए, तो अगर हम इलेक्ट्रिकल फील्ड यहाँ पे मान रहे हैं अगर है, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड विल बी नॉर्मली आउटसाइड दिस गॉसियन सरफेस, और जो एरिया वेक्टर है वो भी आ जाएगा परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस। तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिकल फील्ड के बीच का एंगल 0 डिग्री है। अगर आप गॉस लॉ लगा दोगे, ई वेक्टर डॉट बी ए वेक्टर इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड, चार्ज एनक्लोज्ड कितना हो जाएगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। मान लो क्यू चार्ज आपने दिया था जो कि टोटल वॉल्यूम है, इस गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज क्यू आ गया है, तो E dot dA, E और dA के बीच का एंगल 0 डिग्री है, तो E बाहर आ जाएगा, into dA cos 0 आ जाएगा, cos 0 is 1, तो E closed loop integral of dA is equal to Q by epsilon naught, E into dA, dA हो जाएगा 4 pi R square which is equal to Q by epsilon naught, तो E की वैल्यू आ जाएगी Q by 4 pi epsilon naught into R square, ठीक है, which is KQ by R square, क्या मेरी बात समझ आई? This is the electrical field for an outside point. आपको ये टेक्निक सीखनी है, रटना नहीं है, आपको गॉस लॉ लगाना आना चाहिए, क्योंकि अच्छे सवाल आएंगे आप ऊपर से नीचे पलट जाओगे अगर आप रट के जा रहे हो अननेसेसरी। तो गॉस लॉ बार बार मैं गॉस लॉ सिखा रहा हूँ, गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए यहाँ पे गॉस लॉ को यूज किस लिए किया जा रहा है, इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालने के लिए। क्या मैंने आपको ये सिखाया है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालने के लिए अगर हम गॉस लॉ यूज करें तो हमें ऐसा गॉसियन सरफेस लेना है जो विच इज हाईली symmetrical to the charge or the charge distribution. तो यहाँ पे sphere था, तो हमने Gaussian surface भी कैसे बना लिया? Sphere बना लिया, such that the Gaussian surface is highly symmetrical to the charge or the charge distribution. Yes or no? और फिर हमने Gauss law लगाया, कैसे electrical field और area vector के बीच का angle 0 degree हो रहा था, वो मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश की है, देखिए ध्यान से। तो E into dA into cos 0 आ गया, cos 0 1 होता है, E constant है throughout, तो E को बाहर निकाल लिया, because integration के बाहर हम constant ला सकते हैं। Closed loop integral dA हो गया, dA है surface area of this imaginary sphere जो मैंने black color से dotted line से बनाया है, which is the Gaussian surface which is equal to this KQ by R square आ गया। अगर आप चाहो तो इसको आप rho के terms में भी लिख सकते हो, कैसे आएगा rho के terms में, K ध्यान से देखो K by R square कर लो, और क्या Q की जगह पे आप लिख सकते हो rho into 4/3 pi R, ठीक है? अभी देखो इसको ध्यान से, ये ऊपर 4/3 पाई आर क्यूब है, ये नीचे स्मॉल आर का होल स्क्वायर है, ठीक है, के रो। तो आप अगर चाहो तो के की जगह पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख लो, मैं डायरेक्टली लिख लेता हूँ, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, 4 पाई ने 4 पाई को मार दिया, तो ये आया रो आर क्यूब बाई एप्सिलॉन नॉट into dr square। तो इस तरीके से भी तुम लिख सकते हो रो के टर्म्स में, क्या बात समझ में आई है? आइदर kq by r square लिखो या रो r cube by epsilon naught 3 epsilon naught r square लिखो, ठीक है, क्या बात समझ में आई है? Now let's see what is the electrical field for r which is less than r, मतलब radius of the sphere से कम होगा। तो इस केस में हम फिर से एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे r पे, समथिंग लाइक दिस। ध्यान से देखिए, हमने गॉसियन सरफेस बनाया, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड है तो इट वुड बी समथिंग लाइक दिस व्हिच इज नॉर्मली आउटवर्ड। इलेक्ट्रिकल फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो 0 डिग्री है। फिर से हम अप्लाई करेंगे क्लोज लूप इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। चार्ज एनक्लोज्ड क्या हो जाएगा, क्या ये हो जाएगा रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ध्यान से देखो राइट हैंड साइड में क्या किया है, क्या आपको समझ में आया? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट है इज इक्वल टू q / 4/3 पाई कैपिटल r क्यूब। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी से अगर वो r रेडियस का जो गॉसियन सरफेस बनाया उसका अगर हम वॉल्यूम मल्टीप्लाई कर दें
तो क्या हमें टोटल चार्ज इन द गॉसियन सरफेस मिल जाएगा, व्हिच इज रो इनटू 4/3 πr³। क्या मेरी बात समझ आई? हाँ यार रेस्पॉन्स नहीं देते हो यार, मैं जा रहा हूँ, मैं पढ़ाऊंगा नहीं, मैं चला जाऊंगा। रेस्पॉन्स दो। सो अमर प्लीज डू नॉट स्लीप, वहां पे कंप्यूटर के सामने बैठ के सो गए हो तुम लोग सब, भरपेट खाना खाया हो दोपहर को, ठूस दिया हो पूरा, और अभी नींद आ रही है तुम्हें। रेस्पॉन्स दो, देखो ध्यान से, फॉर आर लेस देन आर E dot dA, क्या ये बात समझ में आई है? Rho into 4/3 πr³, ये क्यों किया, क्या बात समझ में आ गई है? This is the charge enclosed within the Gaussian surface, जो blue color से बनाया है मैंने, देखो ध्यान से, एक sphere बनाया है, Gaussian surface, उसके अंदर कितना charge है? Yes or no? यार देखो मैं बता रहा हूँ, दोपहर का टाइम है, नींद आ जाएगी, सो जाओगे तुम घर के अंदर, काफी टेम्परेचर है, 45 degree टेम्परेचर है अभी, AC चला के मस्त सो रहे होगे तुम लोग। मैं पागल नहीं हूँ, बार बार रिपीट करता क्यों बोल रहा हूँ, बार बार रेस्पॉन्ड करो, सो जाओगे तुम वहां पे। Please, E dot dA, rho into 4/3 πr³ upon epsilon naught. क्या बात समझ में आ रही है यहाँ पे? अब देखो ध्यान से, electrical field और dA, जो green color और blue color के arrow बनाया गया है, blue color के sphere के ऊपर, देखो ध्यान से, left hand side में, क्या हम दोनों के बीच का angle 0 degree है क्या रे? तो क्या E अगर हर जगह पे E constant होगा, तो E को बाहर निकाल लेंगे, और dA जो है हो जाएगा, क्या वो आ जाएगा 4/r² which is equal to rho into 4/3 πr³ upon epsilon naught. ठीक है, तो एक अभी क्या करते हैं, 4/r³ इंटू रो बाई 3 εr लिखते हैं। ध्यान सुनना, 4π ने 4π को मार दिया, r² ने एक r इधर मार दिया, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू क्या हुई है? Is it rho r by thrice epsilon? ये इलेक्ट्रिकल फील्ड है फॉर r लेस देन r, क्या चमका है? अब मैं चाहता हूं कि आप अपनी अक्कल लगाओ और क्या मुझे बता सकते हो कि यही इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ q क्या आएगी? ये तो आपने रो के टर्म्स में लिखा है, q के टर्म्स में क्या होगा ये बताने की कोशिश करो। आप कर सकते हो, आपसे ये हो जाएगा। अब याद करो, रो की जगह पे आपको ये वाली वैल्यू पुट करनी है। अभी आप KQR by capital R³, बहुत सबने गड़बड़ी की है। अरे मेरे बच्चे, ये कैपिटल आर है और ये स्मॉल आर है, क्या ये दोनों सेम है? क्या कट कर दिए जो तुमने? सन्नाटे की तरह काम कर रहे हो, स्मॉल आर और कैपिटल आर को उड़ा दिया तुमने, R³ को, दोनों आर सेम है क्या? क्या कैपिटल आर और स्मॉल आर सेम है क्या? तो कैसे कट कर सकते हो तुम स्मॉल आर और कैपिटल R³ को? समझ में आया? कट नहीं करना है, आपका आंसर है KQR/R³। क्या बात समझ में आई है एवरीवन? ये सब वैल्यूज जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये सब स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं, इनकी डेरिवेशन भी करा रहा हूँ ताकि सब कुछ क्रिस्टल क्लियर रहे, लेकिन आपको ये सारे वैल्यूज याद रखने हैं, आपको ये सारे वैल्यूज याद रखने हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो R greater than R, R less than R, आपने इलेक्ट्रिकल फील्ड निकाल ली। अब चलिए बात करते हैं पोटेंशियल की। आइए, पोटेंशियल, पोटेंशियल हम निकालेंगे फॉर R greater than R एंड R less than R। ठीक है, तो R greater than R का पोटेंशियल क्या होगा? R greater than R का पोटेंशियल निकालने के लिए आप R डिस्टेंस पे गॉसियन सरफेस ले लेंगे, तो गॉसियन सरफेस ले लेंगे, तो R greater than R, R greater than R के लिए जो पोटेंशियल होगी वो कैसे निकालोगे? इट इज सिंपली फॉर R greater than R, इट विल बी K into Q by R, क्योंकि आउटसाइड पॉइंट के लिए याद करो मैंने सिखाया था,
अगर कोई पॉइंट आउटसाइड है तो आउटसाइड पॉइंट के लिए आप इस टोटल चार्ज को कहां मान सकते हो, क्यू चार्ज को इस स्फीयर के, सॉलिड स्फीयर के सेंटर मान सकते हो, और ये डिस्टेंस आर है। तो इस आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल कैसा होता है, क्या पढ़ा है हमने, के क्यू बाय आर, इसीलिए ये के क्यू बाय आर होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्लैरिटी है, क्लियर है आर ग्रेटर देन आर के लिए। अब देखो आर लेस देन आर, आर लेस देन आर, ध्यान सुनना, आर लेस देन आर के लिए आप क्या करो, फिर से एक गॉसियन सरफेस बनाओ, आर रेडियस पे, ठीक है, आर रेडियस का एक गॉसियन सरफेस बनाओ। तो आर लेस देन आर, आपको आर पे पोटेंशियल चाहिए एट अ डिस्टेंस ऑफ स्मॉल आर, पोटेंशियल चाहिए आपको। तो ये पोटेंशियल कैसे निकालें, ये पोटेंशियल निकालेंगे जो डेल यू है, del v is equal to e dot dr, याद है, dv is equal to minus e dot dr, ठीक है, तो dv, तो it will be v initial minus v final is equal to integration of e vector dot dr vector, तो this e vector dot dr vector, ठीक है। अब ध्यान से देखो, तो v initial minus v final, तो अब सवाल क्या है कि मुझे यहाँ पे निकालना है, ठीक है, अभी initial point कौन सा लूँ और final point कौन सा लूँ, ऐसे points लेने हैं ताकि मुझे एक जगह का potential पता हो और दूसरे जगह का मैं निकाल सकूँ। तो initial point का potential, final point का potential, तो initial point मतलब ये जो e dot dr मैंने किया, इसका limits कहाँ से कहाँ तक होगा, lower limit और upper limit क्या होगा बता सकते हो क्या, लोअर लिमिट और अपर लिमिट क्या होगा बता सकते हो क्या, गुड, चलो पढ़े हो तुम, तुमने तुमने वीडियो देखा होगा। देखो ध्यान सुन, यहाँ पे गड़बड़ी होती है इसलिए आपको ये बात समझनी जरूरी है। देखो यहाँ पे आप लोअर लिमिट और अपर लिमिट आप सेंटर पे और सरफेस पे नहीं ले सकते, अगर आप सेंटर लिए तो आर की वैल्यू जीरो से लेके आर तक होगी, पर जीरो इनिशियल, तो जीरो जीरो मतलब ये सेंटर से ये वाला पॉइंट, इसको जीरो बोल रहा हूँ। सेंटर पे पोटेंशियल कितना है क्या आपको पता है, सेंटर पे पोटेंशियल कितना है कोई बता सकता है, सेंटर पे पोटेंशियल जीरो होगा क्या, एक सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है क्या सेंटर पे पोटेंशियल जीरो है, सोच के बोलो, सेंटर पे पोटेंशियल जीरो है क्या, सेंटर पे पोटेंशियल जीरो नहीं है, अच्छा कोई बताएगा क्यों नहीं, सेंटर पे पोटेंशियल जीरो क्यों नहीं है क्या आपको पता है क्या, सेंटर पे पोटेंशियल जीरो क्यों नहीं है, कंडक्टिंग मटेरियल है सर, ओके कंडक्टिंग मटेरियल, उससे क्लैरिटी नहीं आती, ध्यान सुनो, क्या आप इस सॉलिड, ये जो सॉलिड बना हुआ है ये सॉलिड है, क्या आप इस सॉलिड को कैसे बनाओगे, क्या आप छोटे छोटे रिंग्स लोगे, ये एक रिंग है बहुत छोटे थिकनेस का, ऐसे बहुत सारे रिंग एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक आप जोड़ते चलोगे तो आपको तो सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर मिलेगा, राइट, ये मतलब ये स्फीयर है, सॉरी एक बहुत कम थिकनेस का शेल है और ऐसे बहुत सारे शेल्स जोड़ते चलोगे तो आपको स्फीयर मिलेगा। अब शेल के शेल के शेल इस शेल में कहाँ पे चार्ज होगा, इस शेल में सरफेस पे चार्ज होगा, तो इस पर्टिकुलर शेल में क्या आप बता सकते हो सेंटर पे पोटेंशियल कितना होता है, जीरो होता है क्या, आपने अभी जस्ट इससे पहले हॉलो कंडक्टिंग, हॉलो नॉन कंडक्टिंग और सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर पढ़ा हुआ है, उसके सेंटर पे पोटेंशियल कितना होता है, सेंटर पे पोटेंशियल कितना होता है, अभी पढ़ा था लास्ट क्लास में यार, रिस्पॉन्स करो, सेंटर पे पोटेंशियल कितना होता है, के क्यू बाय आर, वेरी गुड, जो सरफेस पे होता है वही सेंटर पे होता है, बताया था कि नहीं, क्योंकि वो इक्विपोटेंशियल रीजन बनता है, बताया था। तो अगर हम ऐसे बहुत सारे छोटे-छोटे कंडक्टिंग सॉरी छोटे-छोटे शेल्स को जोड़ेंगे तो हमें ये स्फीयर मिलेगा, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, सॉरी नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, लेकिन पोटेंशियल पे हर एक शेल के कारण जो सेंटर पे पोटेंशियल बनेगी वो जीरो नहीं होगी, वो कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, इसका मतलब सेंटर पे पोटेंशियल जीरो नहीं है तो कुछ तो है, बट वो कुछ क्या है मैं पता नहीं। तो इसीलिए हमारे ये जो लिमिट्स हमने डाले हैं
ये लिमिट्स गलत है, तो हमें लिमिट्स अच्छे से लेना पड़ेगा। फिर से लिखता हूं मैं इसको, क्या लिमिट लें? क्या हम लिमिट ले लें आर से लेके कैपिटल आर तक? देख आर पे पोटेंशियल क्या है वो हमें निकालना है, दैट इज इनिशियल पोटेंशियल, और फाइनल मतलब कैपिटल आर पे पोटेंशियल क्या है? क्या कैपिटल आर पे पोटेंशियल हो जाएगी के क्यू बाय आर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर फ्रॉम आर टू आर, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर, व्हाट इज इलेक्ट्रिकल फील्ड एट एनी डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर, एट एनी डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिकल फील्ड? बोलो ये क्या स्फीयर है? सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, तो एट एनी डिस्टेंस आर इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होगी? भाई साहब सही में खतरनाक रेस्पॉन्स है भाई। यशोधन सोनू ने सो गया क्या? एक भी रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है। देवेश, अनुष्का, अब भी पढ़ाया है, अब भी तुरंत पढ़ाया है। क्या बताया, क्या निकाला था? रो के टर्म्स में निकाला था और क्यू के टर्म्स में निकाला था, क्या निकाला था बोलो? इलेक्ट्रिकल फील्ड एट एनी डिस्टेंस आर क्या निकाला था? इनसाइड में के क्यू आर बाय आर क्यूब, वेरी गुड। ये आएगा क्या? सही है, चल बोल। पोटेंशियल एट आर माइनस के क्यू बाय आर इज इक्वल टू के क्यू आर बाय आर क्यूब, इसमें क्या बाहर निकालू बोल? के क्यू बाय आर क्यूब बाहर निकाल लू, कॉन्स्टेंट है कैपिटल आर क्यूब, तो ये आर स्क्वायर बाय टू आ जाएगा। टू बाहर निकाल लो आर स्क्वायर, इट विल बी आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस आर विल बी, ये के क्यू बाय आर को दूसरे साइड ले जाएंगे, के क्यू बाय आर को दूसरे साइड ले जाएंगे, दिस विल बी के क्यू बाय टू आर क्यूब, के क्यू बाय टू आर क्यूब को कॉमन ले लो पूरा, दिस वन विल बिकम आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस के क्यू बाय टू आर क्यूब, तो के क्यू बाय टू आर क्यूब तो प्लस टू आर स्क्वायर जुड़ जाएगा, अगर आपको समझ में आ रहा है। मैंने क्या किया, मैंने इसके बॉटम में मल्टीप्लाई किया टू आर स्क्वायर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया टू आर स्क्वायर, अब दूसरे साइड ले गया तो के क्यू बाई टू आर क्यूब कॉमन निकाल लिया, तो ऊपर में क्या टू के क्यू आर स्क्वायर जुड़ जाएगा यहाँ, तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, पोटेंशियल एट एनी डिस्टेंस आर विल बी के क्यू बाई टू आर क्यूब इंटू थ्री आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ में आई? दिस इज योर फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एट एनी डिस्टेंस आर। बहुत तगड़ा चीज बताया मैंने आपसे, ध्यान से देखिए, इट्स अ वेरी गुड डिस्कशन। ये सब स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं, याद तो होना चाहिए, लेकिन इसका प्रूफ क्या है ये भी मैंने आपको समझाने की कोशिश की, ध्यान से देखो। समझ आया? अब देख ध्यान से, अगर मैं बोलूं व्हाट इज द पोटेंशियल एट एट आर इक्वल टू जीरो, आर इक्वल टू जीरो मतलब सेंटर पे, सेंटर पे आर इक्वल टू जीरो पुट कर देगा तो देख पोटेंशियल क्या आ जाएगा, थ्री के क्यू बाई टू आर आ रहा है। At r equal to 0, the potential is 3kq by 2r. This is the potential at r is equal to 0. Are you understanding? इसका मतलब सेंटर पे जो पोटेंशियल होगा वो जीरो नहीं होगा भाई। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? वो जीरो नहीं होगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के सारे फॉर्मूले आपको मुंह जवानी याद होने चाहिए, बिकॉज यही चीज डायरेक्टली लिंक होगा ग्रेविटेशन चैप्टर से, और ग्रेविटेशन चैप्टर में जो अर्थ होता है ना, अर्थ के सारे पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल फील्ड के जो फॉर्मूला है, अर्थ में भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आएगी और पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आएगा, ग्रेविटेशनल फील्ड आएगा, ये सब चीजों का फॉर्मूला हूबहू सेम है एज दैट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। तो मैं अभी अच्छे से करा रहा हूँ, वहां पे सिर्फ आपको मैं रिलेशनशिप बता दूंगा, बोल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फॉर्मूला क्या था, तुम बताओ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फॉर्मूला, मैं ग्रेविटेशन का फॉर्मूला उससे बना दूंगा। क्या बात समझ में आ रही है? क्या क्लैरिटी है ये? तो सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर इज लाइक दैट ऑफ अर्थ। अर्थ में मास मैटर करता है, चार्ज मैटर नहीं करता है ग्रेविटेशन चैप्टर में, बिकॉज़ ग्रेविटेशन इज ऑल अबाउट मास। बट
जैसा सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में आपने डील किया हुआ है पोटेंशियल और फील्ड के कॉन्सेप्ट से, एग्जैक्टली हूबहू वही कॉन्सेप्ट आपको काम आने वाला है फिर से ग्रेविटेशन चैप्टर में। तो ग्रेविटेशन चैप्टर में मैं सिर्फ ये रिलेशनशिप खटाखट एक क्लास में बोलता जाऊंगा, आपको सिर्फ फॉर्मूला याद करके मुझे बताना है और मैं आपको बोलता चलूंगा। क्या बात समझ में आ रही है? तो दिस इज द पोटेंशियल एट एनी डिस्टेंस। अब हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ग्राफ खींचना। हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड इनसाइड, इलेक्ट्रिकल फील्ड आउटसाइड, पोटेंशियल इनसाइड, पोटेंशियल आउटसाइड सब निकाल लिया। अब हमें इलेक्ट्रिकल फील्ड वर्सेस आर का ग्राफ चाहिए एंड पोटेंशियल वर्सेस आर का ग्राफ चाहिए। आइए चलिए एक बार देख लेते हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड का क्या फॉर्मूला आया। इलेक्ट्रिकल फील्ड का फॉर्मूला आया था इलेक्ट्रिकल फील्ड फॉर आर ग्रेटर देन आर इज के क्यू बाय आर स्क्वायर एंड इलेक्ट्रिकल फील्ड फॉर आर लेस देन आर इज के क्यू आर बाय आर क्यूब। क्या बात समझ में आ रही है? इन दोनों फॉर्मूला को ध्यान से देखिए। अभी आप अगर देखोगे आपको समझ में आएगी। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं इलेक्ट्रिकल फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ आर वर्सेस आर का और दूसरा ग्राफ बनाऊंगा पोटेंशियल एज अ फंक्शन ऑफ आर वर्सेस आर का, ठीक है? तो यहाँ पे मान लो एक लाइन है विच इज आर इज इक्वल टू आर, ठीक है? और यहाँ पे एक लाइन है विच इज आर इज इक्वल टू आर। तो फॉर फॉर आर लेस देन आर, आओ तुम खुद बताओगे फॉर आर लेस देन आर, आर लेस देन आर आपका फॉर्मूला के क्यू बाय आर क्यूब इंटू आर है। क्या के कॉन्स्टेंट है, कैपिटल क्यू कॉन्स्टेंट है और कैपिटल आर क्यूब कॉन्स्टेंट है, आर वेरिएबल है। क्या आपको लगता है कि ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन? अरे भाई तो क्या ये ऐसा इक्वेशन जाएगा ऐसा फॉर आर लेस देन आर? और फिर ये देख फॉर आर ग्रेटर देन आर क्या ये के क्यू बाय आर स्क्वायर है? क्या आपको लगता है कि हाइपरबोलिकल रिलेशनशिप शो करेगा? ग्राफ समझ में आया? फॉर्मूला से आपने ग्राफ बताया। क्या ये सब चीजें मैंने मैथमेटिकल टूलकिट में आपको सिखाया है कि आपको अगर इक्वेशन दिया रहेगा उसका ग्राफ कैसा होगा? यस और नो? उसी को यूज करें प्लीज, यूज करें। कब यूज करेंगे आप उसे? क्या क्लैरिटी आई है? अब पोटेंशियल वर्सेज आर का ग्राफ चाहिए। पोटेंशियल वर्सेज आर का ग्राफ के लिए चलो पोटेंशियल का फंक्शन देखते हैं। पोटेंशियल फॉर आर ग्रेटर देन आर पोटेंशियल क्या है? के क्यू बाय आर, हाइपरबोलिकल है। एंड फॉर आर लेस देन आर व्हाट इज इट? के क्यू बाय टू आर क्यू थ्री आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है? आर लेस देन आर, आर इक्वल टू जीरो पे कितना है पोटेंशियल? ये देख यहाँ पे निकाला हुआ है आर इक्वल टू जीरो पे थ्री के क्यू बाय टू आर। तो मेरा ग्राफ कैसा होगा ध्यान से देख। आर इक्वल टू जीरो पे ये यहाँ पे कहीं पे है, उसके बाद ये कैसा रिलेशनशिप शो कर रहा है देखते हैं। और आर लेस देन आर किधर गया? यहाँ। और आर लेस देन आर इट इज के क्यू बाय टू आर क्यू थ्री आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। क्या आपको यहाँ पे एक चीज समझ में आ रहा है? इज इट लाइक अ पैराबोला और वो भी पानी गिराता हुआ? क्या ये v इज इक्वल टू सम कांस्टेंट माइनस सम कांस्टेंट इनटू r स्क्वायर आएगा? क्या ये रिलेशनशिप है? ये चीज पूरा c एक कांस्टेंट है विच इज 3 kq / 2r और d जो है वो एक कांस्टेंट है विच इज kq / 2r। क्या बात समझ में आ रही है? c माइनस d r स्क्वायर। तो पोटेंशियल और r का ग्राफ आप बना रहे हो, तो क्या आप बता सकते हो ये कैसा ग्राफ होगा? क्या ये पानी गिराता हुआ पैराबोला है ऐसा? क्या ये पानी गिराता हुआ पैराबोला है? यार समझ नहीं आया यार, क्या ये पानी गिराता हुआ पैराबोला है? और r ग्रेटर देन r के लिए क्या है बोलो? r ग्रेटर देन r के लिए एक्सप्रेशन क्या है? क्या r ग्रेटर देन r के लिए kq / r है? मतलब ये हाइपरबोलिकल रिलेशनशिप है क्या? मतलब आपका ग्राफ जो है इसके बाद ऐसा है। This is what is the graph. क्या मेरी बात समझ में आई है? ऐसा ग्राफ आएगा r equal to r पे ही ये टर्न मारा जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई है? r equal to r. So this is electrical versus electrical field versus r and potential as a function of r versus r का ग्राफ। क्या बात समझ में आई है? Everyone समझ में आई बात? तो आपने क्या क्या निकाल लिया? पोटेंशियल इनसाइड पोटेंशियल आउटसाइड, इलेक्ट्रिकल फील्ड इनसाइड इलेक्ट्रिकल फील्ड आउटसाइड, पोटेंशियल वर्सेस आर का ग्राफ, इलेक्ट्रिकल फील्ड वर्सेस आर का ग्राफ। छह चीज खत्म। सातवां चीज कौन सा निकालते हैं हम लोग बोलो? क्या बताया था मैंने? पोटेंशियल एनर्जी बोला था मैंने, पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या अभी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी पड़ेगी? अच्छा, ये पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए कैसे करेंगे ध्यान से देखो कॉन्सेप्ट। अभी हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी निकालने, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में क्या जहां जहां मास है वहां वहां चार्ज? इसका मतलब ये हुआ, इसको ऐसे समझो कि मान लो आपने इस सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर को एक इसमें रखा, उसे क्या बोलते हैं जिसके अंदर आप टूट टूट के उसे एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में ये कर देते हो, ऐसा एक लोहे का होता है ना, इससे टूटते हो आप,
घर में आपके होंगे, आपके दादी वादी लोग यूज करती होंगी, ऐसे कूट कूट के इसको एकदम चूरा बना दिया, तो कूट कूट के चूरा बना दिया आपने, इसको कूट कूट के चूरा बना दिया, समझ में? पेस्टल एंड मोर्टार, बाप रे अंग्रेजी हो गई, ऐसे एकदम चूरा बना दिया आपने इसको कूट कूट के, ठीक है। ऐसा एक होता है ना, आपने देखा होगा यार घर पे आपके हो गए, लोहे का होता है जनरली, कूटते हैं उससे, है ना, जो सुपारी उपारी होता है उसे कूटते हैं यार, देखा होगा तुमने यार पक्का, पान वान भी यू नो मतलब एजेड लोग पान चबा नहीं पाते, उसे कूट देते हैं उस पे, यू माइट हैव सीन इट राइट। ओके चलो, अब सब लोग गांव चले गए, अरे हाँ गांव में होता था, ध्यान सुनिए इधर, ये का ध्यान से, इसको आप नहीं करना। अब इससे आप ये जो छोटे छोटे पीसेस बन गए ना, स्मॉल पीसेस में जो आपने ब्रेक करके इनको ये कर लिया, स्मॉल पीसेस को अभी आप इंफिनिटी में ले जाकर रखिए, और यहां से आप ये एक एक पीस को यहाँ पे कलेक्ट कर रहे हो, दूसरा पीस लाए, तीसरा पीस लाए, जैसे जैसे आप पीस लाओगे इसके साइज बड़ी होती जाएगी। इससे पहले वाले पोटेंशियल में जब हमने हॉलो कंडक्टिंग, हॉलो नॉन कंडक्टिंग और सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर की बात की थी, जब उसमें पोटेंशियल एनर्जी हम निकाल रहे थे, तो उसमें हमने ये ऑब्जर्व किया था कि हम जो भी चार्ज लाते थे वो पूरा का पूरा चार्ज रेडियस आर पे ही अवेलेबल होता था, बट यहाँ पे बिकॉज चार्ज पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो क्या आपको लगता है कि जैसे जैसे हम चार्ज लाएंगे दो चीजें बदलेंगी, पहला तो चार्ज जो आ रही है वो बदलेगी, उसके अमाउंट बदलेगी जो उस स्फीयर के ऊपर होगी जो बनेगा, और दूसरा उसका रेडियस भी बदलता चलेगा, क्या आप ये बात रियलाइज कर पा रहे हो? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट्स व्हाई आई हैव टोल्ड यू दिस एंटायर स्ट्रक्चर। क्या आप ये चीज रियलाइज कर पाए कि सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में चार्ज एंड रेडियस बोथ विल चेंज, जबकि हॉलो कंडक्टिंग, हॉलो नॉन कंडक्टिंग और सॉलिड कंडक्टिंग में सिर्फ और सिर्फ चार्ज की वैल्यू चेंज हो रही थी सरफेस पे, और सारा का सारा चार्ज रेडियस आर पे ही अवेलेबल होता था, क्या बात समझ आई? किसी को कुछ नहीं आया यार, ये जो बनाया है सब बर्बाद हो गया, क्या बात समझ में आई है एवरीवन? मयूरेश सो गया है वो, समझ आया? गार्गी गरिमा आर यू देयर? क्या क्लैरिटी आई है? अपनी लिसन टू मी नाउ। तो जब आप ये छोटे छोटे पीसेस को इन्फिनिटी से, ये इन्फिनिटी पे है, इनको जब ला के आप इनको इकट्ठा करोगे ना, तो इकट्ठा करोगे तो ये स्फीयर का शेप लेती चलेंगे, तो देखने वाली चीज ये होगी कि जैसे जैसे आप ये छोटे छोटे टुकड़े एक के ऊपर एक एक्यूमुलेट करोगे, तो दो चीजें बदलेंगी, रेडियस भी बदलेगी एंड चार्ज भी बदलेगी, दो चीजें बदलेंगी भाई, क्या बात समझ में आई है? इसमें मतलब ऐसा हम करेंगे, इसको कैसे करेंगे ध्यान से, मान लो किसी इंस्टेंट पे रेडियस आर है और चार्ज क्यू, और हम अब एक डीक्यू चार्ज एक्स्ट्रा इसके ऊपर ला रहे हैं, इन्फिनिटी पे हमें पता है कि पोटेंशियल जीरो होता है, और इसके सरफेस पे यहाँ पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, इट विल बी के क्यू बाय आर, ठीक है, हमें पता है कि पूरा का पूरा चार्ज इसके इसके बॉडी के अंदर गया हुआ है, पूरे पूरे जहां जहां मास है वहां वहां चार्ज, बट जस्ट ऑन द सरफेस हमें पता है कि पोटेंशियल जो होगी वो के क्यू बाय आर हो गया, मानेंगे पूरा का पूरा चार्ज उसके उस आर रेडियस के स्फीयर के सेंटर पे, तो के क्यू बाय आर हो जाएगा, ठीक है, आ जाओ। तो पोटेंशियल एनर्जी विल बी वर्क डन बाय एक्सटर्नल, वर्क डन बाय एक्सटर्नल इज इक्वल टू ई डॉट डी आर, ई डॉट डी आर, ई की वैल्यू ई डॉट डी आर हो जाएगा, तो नहीं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल विल बी डी क्यू इंटू डी वी, जो डिफरेंस इन पोटेंशियल या डेल वी, जो भी मान लो डी क्यू चार्ज ला रहे हैं और डिफरेंस इन पोटेंशियल कितना है, यहाँ पे जीरो है और यहाँ पे के क्यू बाय आर है, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू इंटू डी वी, इसको क्या करेंगे, लेट्स गो इनटू द नेक्स्ट स्लाइड, आ जाओ। तो इंटीग्रेशन में फिर से लिखता हूँ यहाँ पे डी क्यू इंटू डी वी या डेल वी, सॉरी डेल वी। अब देखो ध्यान से, अगर तुम देखोगे यहाँ पे रेडियस आर की स्फीयर बन चुकी है, यहाँ पे चार्ज, यहाँ पे पोटेंशियल है के क्यू बाय आर और इंफिनिटी पे पोटेंशियल है जीरो, और यहाँ से अभी मैं एक और डी क्यू का चार्ज लेके आ रहा हूँ इसके ऊपर, यहाँ पे ऑलरेडी प्लस क्यू चार्ज आ चुका है, तो जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट है दैट इज इक्वल टू डी क्यू इंटू डेल वी। अब ये डी क्यू जो है ये तो डी क्यू ही होगा, और जो डेल वी होगा दैट विल बी
चेंज इन पोटेंशियल फाइनल माइनस इनिशियल विच इज इक्वल टू के क्यू बाई आर। ठीक है, तो आपका जो रिजल्ट आया वो आया के बाहर आ जाएगा क्यू इंटू डी क्यू बाई आर। अब प्रॉब्लम ये है कि इस इंटीग्रेशन के अंदर क्यू एज वेल एज आर दोनों वेरिएबल है, और अगर इंटीग्रेशन में दो वेरिएबल होगा तो हम सॉल्व नहीं कर सकते, हमें कोई एक वेरिएबल चाहिए, बिकॉज हम सिंगल वेरिएबल इंटीग्रेशन हमारे सिलेबस में है स्टैंडर्ड 12th के, तो इससे बाहर तो आएगा ही नहीं। जो मैथ्स लेके पढ़ रहे हो उनको बात समझ में आ गई होगी, हमें सिंगल वेरिएबल इंटीग्रेशन आता है, दो वेरिएबल के साथ इंटीग्रेशन करने के लिए बोले तो हमारे लिए डिफिकल्ट है, हमारे सिलेबस में ही नहीं है। इसका मतलब अभी हमारा पहला काम हो गया कि हमें क्यू को आर के टर्म्स में या आर को क्यू के टर्म्स में एक्सप्रेस करना, कैसे करें ध्यान से सुनो। ये देख, तो जो हमारा कंप्लीट जो सॉलिड स्फीयर बनेगा, जो ओरिजिनली हमें जो बनाना है वो बनाना है कितना, उसके ऊपर चार्ज क्यू होगा, तो उसकी जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हो जाएगी वो आ जाएगी क्यू बाई 4/3 पाई आर क्यू, आर रेडियस तो बनाना। ठीक है, लेकिन ये जो हम अभी छोटा सा स्फीयर बनाए हैं रेडियस आर का, इसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो और इसका रो, क्या दोनों बराबर होंगे आपस में? तो दोनों को बराबर करेंगे तो क्या आ जाएगा, बोलो, क्यू बाई 4/3 पाई आर क्यू इज इक्वल टू क्यू बाई 4/3 पाई आर। ठीक है, 4/3 पाई मर गया, ध्यान से देखो ये लॉजिक क्या है। तो इससे अपने को समझ में आया कि स्मॉल क्यू जो है इट इज कैपिटल क्यू इंटू आर क्यू बाई कैपिटल, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू आर। अगर हम दोनों साइड को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू आर, विल गेट डी क्यू अपॉन डी आर, एंड डी क्यू अपॉन डी आर विल बी क्यू बाई आर क्यूब, कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, डी बाई डी आर ऑफ 3r² विल बी आर क्यू विल बी 3r². तो इससे आपको ये समझ में आएगा कि जो डी क्यू है वो है 3q बाई आर क्यू इंटू आर स्क्वायर इंटू डी आर। ठीक है, तो हम अभी क्या करेंगे कि ये जो डी क्यू की वैल्यू आई है इसको यहां से लेके यहाँ पे पुट कर देंगे, तो उससे हमारा जो पूरा इंटीग्रेशन होगा वो इंटीग्रेशन विल बी एन इंटीग्रेशन ओनली इन अ सिंगल वेरिएबल विच इज आर। चलता क्या, किसी को कुछ समझ नहीं आया भाई, पूरा कहानी खत्म हो गया, किसी को कुछ नहीं आया? अरे समझ में आया, जो लोग सो रहे हैं उनको कभी नहीं आएगा, जो लोग जाग रहे हैं उनको थोड़ा थोड़ा आएगा। वापस हाँ हाँ बताता हूँ। संजना व्हाट इज योर क्वेश्चन? सर एक बार फिर समझाओ। यस यस व्हाई नॉट, आ जाओ, ध्यान से देखो, फिर से बताओ, सुनो ध्यान से ये स्टोरी फिर से सुनो। हमें पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर निकालनी है। ठीक है, हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की। तो सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की खास बात यह है कि जहां जहां मास होता है वहां वहां चार्ज होता है, मतलब यहाँ पे जो चार्ज है वो वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होगा ना कि सरफेस पे, इसलिए हम यहाँ पे रो डिफाइन करते हैं। तो हमने क्या किया, हमें ये सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर स्क्रैच से बनाना है, और इसको बनाने के लिए जितना हमें वर्क डन एज एन एक्सटर्नल एजेंट करना पड़ेगा वही तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होगी, दैट इज द बेसिक फंडा। तो हमने क्या किया, हमने इसको एनालॉजी एस्टेब्लिश करने की कोशिश की कि हमारे पास एक सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर था, उसको हमने एकदम कूट के उसके छोटे छोटे पीसेस बना लिए जो मैंने यहाँ पे दिखाया है, और ये पीसेस इन्फिनिटी पे लोकेटेड है। अब उस इन्फिनिटी से हम एज एन एक्सटर्नल एजेंट एक एक चार्ज लाएंगे और ये स्फीयर बनाने की कोशिश करेंगे। तो जब ये स्फीयर बनेगा तो हमने ये देखा कि जब हॉलो नॉन कंडक्टिंग या सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर था उस केस में हम जो भी चार्ज लाते थे वो पूरा का पूरा चार्ज आर रेडियस पे ही आता था, कॉन्स्टेंट रेडियस पे। लेकिन सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में जो रेडियस होगी वो रेडियस कॉन्स्टेंट नहीं होगी, बिकॉज हमने इसे कूट के छोटे छोटे एकदम ग्रैनुलर पीसेस में बना लिया। तो जैसे जैसे हम मोर एंड मोर ग्रैनुलर पीसेस ऐड करते चलेंगे तो रेडियस भी चेंज होगा और चार्ज भी चेंज होगा। डिड यू अंडरस्टैंड दिस लॉजिक? तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें रेडियस एंड चार्ज दोनों को वेरी कराना पड़ेगा। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जो होगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा, मान लो किसी इंस्टेंट पे मैंने ऐड करते करते मान लो एक रेडियस एक स्फीयर बना लिया, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉल आर, जिसके ऊपर चार्ज मान लो स्मॉल क्यू है। ठीक है, और अब मैं एक छोटा सा और चार्ज पार्टिकल इन्फिनिटी से इस सरफेस के ऊपर ला रहा हूं जिसकी चार्ज कितनी है, डी क्यू है। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फॉर डूइंग दिस वर्क
विल बी डी क्यू इंटू डी वी. यहाँ तक क्लियर है क्या? आगे फिर जाऊंगा. पहले यहाँ तक की स्टोरी बोलो, क्लियर है सब लोग? इस स्लाइड में क्लैरिटी है? फिर आगे जाऊंगा. अरे बोलो भाई, मैं क्या लैटिन ग्रीक में बोल रहा हूँ क्या? हाँ या ना में जवाब दो भाई. मतलब मन में तुम ठान क्या है कि बोलेंगे ही नहीं कुछ बेटा. समझने दो इसको, कितना समझ में आता है हम लोग को, समझ में आ रहा है क्या? क्लैरिटी है ये? तो वर्क डन एक्सटर्नल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू इंटू डी वी. क्या क्लैरिटी है एवरीवन? गुड. अब सुनो ध्यान से, अब इस पे आते हैं. तो वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट जो है ये आया डी क्यू इंटू डी वी, जो मैंने प्रीवियस स्लाइड में लिखा था उसी को फिर से यहाँ पे लिखा. अब सुनो ध्यान से, तो ये जो DQ है, DQ is the charge that we are bringing, इसको ऐसे रखा. जो del V है, del V infinity से हमने एक चार्ज को, DQ चार्ज को सरफेस पे लाके रखा, R radius के सरफेस पे. तो सरफेस पे पोटेंशियल कितना है? What is the potential at the surface, K³ by R? और infinity पे पोटेंशियल कितना था? जीरो. तो डिफरेंस इन पोटेंशियल del V जो आएगा, क्या वो फाइनल माइनस इनिशियल होगा, which is K³ by R minus zero. तो क्या K³ by R वाला टर्म कैसे आया, समझ में आया? एक एक चीज बता रहा हूँ. क्या बात समझ में आई है, कैसे आई है बात? एवरीवन, जो सोएगा उसकी नीट और जेई 20-20 मार्क्स काट लेंगी. आधे लोग परेशान है, 20 आ ही नहीं रहे हैं सर, तो कहां से काटेंगी? हाँ बोल रहा है, ध्यान से देखो इधर. इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू इंटू के क्यू बाय आर, क्या क्लैरिटी है ये? के को बाहर निकालो, के को बाहर निकालो. सो देखो वहां पे क्यू डी क्यू बाय आर हुआ. अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आ रही है पता है? प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि यहाँ पे Q एंड R दोनों वेरिएबल है. क्यों ऐसा बोल रहे हैं सारा? क्योंकि हमने हमने जो छोटे छोटे पीसेस बना लिए थे कूट कूट के, जैसे जैसे हम उन पीसेस को इकट्ठा कर रहे हैं तो इसकी रेडियस भी बढ़ रही है स्फीयर की और चार्ज भी बढ़ रहा है. इसका मतलब Q एंड R दोनों वेरिएबल है भाई, हम किसी को भी बाहर नहीं निकाल सकते. तब तक नहीं निकाल सकते जब तक कि Q को R के टर्म्स में या R को Q के टर्म्स में ना लिख डालें. लॉजिकल है ये. अब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो इस सॉलिड स्फीयर की है वो हमने लिखा था Q बाई 4/3 πr³. ये देख, अब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है तो जब मैंने ये स्मॉल आर रेडियस का स्फीयर बनाया है इकट्ठा करते करते, तो इसकी जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आएगी ये वाली रो, और इसकी जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है एक्चुअल स्फीयर का जिसको कूट के हमने छोटे छोटे पीसेस में बनाया था, इनकी जो इसकी जो रो है, क्या ये दोनों रो आपस में बराबर होंगी? तो वही मैंने यहाँ पे लिखने की कोशिश किया. देख ध्यान से, ये बात बहुत बहुत काम की चीज बताई है मैंने. देखो ध्यान से, ये समझ में आएगी क्या? दोनों का वॉल्यूम डेंसिटी जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है ये दोनों सेम होगा. क्या ये बात समझ में आई है? सोचो भाई थोड़ा सा. देखो तुमने यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इनसाइड द एंटायर वॉल्यूम है, तो जब तुमने इसे कट जब तोड़ तोड़ के तुम छोटे छोटे एकदम छोटे छोटे पीसेस में बना दिए, तो क्या अब जो r रेडियस की स्फीयर बनी है उसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी और जो ओरिजिनल स्फीयर था जिसको तुमने कूट कूट के छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक कर दिया, दोनों की वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी सेम ही होनी चाहिए ना भाई? यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है ना, वेरिएबल तो नहीं है. वेरिएबल होने से वेरिएबल अलग अलग होता है, यूनिफॉर्म कॉन्स्टेंट चार्ज डेंसिटी है थ्रू आउट. तो इसीलिए ये दोनों को सेम किया मैंने. जब ये दोनों को सेम किया तो q इज इक्वल टू q स्मॉल r क्यूब बाय कैपिटल r क्यूब आया. दोनों को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू r, तो उससे dq की वैल्यू 3qr² / dr आई. ये चीज, ये dq की वैल्यू यहां पे पुट करना है, और यहां पे पुट करने के बाद मेरी आगे की कार्यवाही होगी. क्या आगे बढ़ जाऊं? ठीक है, ये देख क्या क्या यूज करेंगे. देख ध्यान से, इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा अभी. के इंटीग्रेशन ऑफ क्यू डी क्यू बाई आर, और डी क्यू की जगह पे ये पुट करेंगे. ठीक है, चलो आ जाओ. डी क्यू की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, 3q/r³ r² dr. देख यही था ना, 3q/r³ r² dr, यही है. अब देख
इसमें क्या करूं, ये देख, 3q small q by r3। और r की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कर रहा हूं, कौन बताएगा? r की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कर रहा हूं? इस पूरा कूट कूट के जब तुमने इतना छोटे छोटे पीसेस बनाते थे, उसको उसको इकट्ठा करके बड़ा स्फीयर बनाना है, तो r की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी होगी? देखो कौन बता सकता है, r की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी होगी? कुछ गड़बड़ किया क्या मैंने? सब सही है? ये स्मॉल क्यू कैसे आया? कुछ तो गड़बड़ किया मैंने, एक सेकंड बोल कर। डी क्यू इज इक्वल टू 3q by r² into dr। क्यू को सब्स्टिट्यूट नहीं किया, हाँ क्यू को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा ना भाई, इसीलिए गड़बड़ हुआ। यस करेक्ट, यू आर राइट, क्यू को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, ये गड़बड़ हो गया। चलो यहां से इरेज कर रहा हूँ, गड़बड़ हो गया ये फॉर्मूला। चलो बोलो, क्यू को सब्स्टिट्यूट करो, यहाँ पे क्या आ जाएगा बोलो? ये 3q by r³, इसको बाहर निकाल लो, 3q by r³, q by r, नहीं qr dr, q की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो बोलो कितना आएगा? 3qk by r³। q की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे? आ जाओ, क्या q आ जाएगा? q by r³ into r³। यस, q into capital r³ by R³। सही है, चलेगा। अब क्या बाहर निकालूं? q by r³ बाहर निकाल लेता हूं, q by r³ बाहर निकाल लूं तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये तुम्हें खुद करना चाहिए यार, तुम लोग काफी कमजोर हो भाई। ठीक है, r⁴ dr, आर स्मॉल आर की वैल्यू कहां से कहां तक? चलो 3q² k / r⁶, ये r⁵/5 आएगा, ये एक कट गया इधर रहा, सो 3/5 k³² / r आया। सही है क्या? क्या सही है ये? एवरीवन एवरीवन, 3/5 k³² / r आया। ध्यान से सुनना, 3/5 मतलब ये वैल्यू आती है 0.6 k³² / r। अब ये याद कर, ये देख, जो सॉलिड कंडक्टिंग, हॉलो कंडक्टिंग या हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर था, उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी आई थी k³² / 2 r या 0.5 k³² / r। इसको ऐसे समझ, सुन ध्यान से, देख मजा आएगा तेरे को। इसका मतलब ये हुआ कि जो हॉलो नॉन कंडक्टिंग या सॉलिड कंडक्टिंग, हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर था, उसके अंदर इलेक्ट्रिकल फील्ड बाहर थी, और इसी इलेक्ट्रिकल फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी थी, कितनी थी? 0.5 k³² / r। और जब हमने सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की बात, तो इस केस में बिकॉज
अंदर भी चार्ज है, तो इस केस में इलेक्ट्रिकल फील्ड पूरे इसके सेंटर से बाहर की तरफ निकली और 3D में फैली है। क्या बात समझ में आ रही है? अब समझ, सरफेस से इन्फिनिटी तक जो चार्ज है वो तो 0.5 KQ² / r ही है, यही वाला, इसमें कुछ चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब सेंटर से लेके इसके सरफेस तक, सरफेस ऑफ सॉलिड कंटेनर स्फीयर जो चार्ज आई, क्या वो आ जाएगी 0.1 KQ² / r। क्या तुमको ये इंपॉर्टेंट चीज समझ में आई? मतलब एक सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के रेडियस के अंदर 0.1 KQ² / r पोटेंशियल एनर्जी रहेगी और बाहर 0.5 KQ² / r रहेगी। क्या मेरी बात समझ में आई? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आप ध्यान से देखो आपको समझ में आएगी नहीं। फिर से देख, अगर मैं एक, सुनना, सॉलिड कंडक्टिंग हॉलो कंडक्टिंग या हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर लू, इसके सरफेस पे चार्ज कितना है क्यू, तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी रहेगी, पोटेंशियल एनर्जी कहाँ रहेगी बोल? ये जो मैं बोल रहा हूँ ना बेटा, ये किताब पढ़ने से नहीं मिलेगी, ये एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ मैं तुम्हें, सबसे इंपॉर्टेंट, और यहीं से सवाल बनते हैं, यही कॉन्सेप्ट है, यही टेस्ट करेगा। समझ में आ रहा है? ये बोल, ये सॉलिड कंडक्टिंग हॉलो कंडक्टिंग या हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में जो एनर्जी रहेगी वो कहाँ मिलेगी? जहां इलेक्ट्रिकल फील्ड होगी। क्या इस सॉलिड नॉन कंडक्टिंग या हॉलो कंडक्टिंग हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर क्या यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड जीरो है? मतलब यहाँ पे कोई भी पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ही नहीं है, तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी होने का सवाल नहीं है। तो पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ आउटसाइड में होगी। चमका है क्या? चमका है क्या? अब अगर तू सोचेगा कि अगर मैं सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की बात करूं, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट अ स्फीयर व्हिच इज सॉलिड भाई, व्हिच इज सॉलिड, और इसके हर पॉइंट पे जहां जहां मास वहां वहां चार्ज, ये अंडरस्टैंडिंग है इसकी। इसका मतलब इसके बाहर तो इलेक्ट्रिकल फील्ड रहेगी ही रहेगी। मान लो सेम रेडियस आर का लेते हैं, तो इसके बाहर तो इलेक्ट्रिकल फील्ड रहेगी ही रहेगी, तो बाहर तो पोटेंशियल एनर्जी रहेगी ही रहेगी। क्या वो वही रहेगी जो हॉलो कंडक्टिंग, हॉलो नॉन कंडक्टिंग या सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर के बाहर का पोटेंशियल एनर्जी है, व्हिच इज इक्वल टू 0.5 KQ² / r? बोल, चमका की नहीं? बट बिकॉज सॉलिड नॉन सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में टोटल पोटेंशियल एनर्जी इज 0.6 KQ² / r, इसका मतलब 0.1 KQ² / r कहां पे रहेगा? इस सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर, बिकॉज अंदर भी इलेक्ट्रिकल फील्ड रहेगी। बोल, चमका की नहीं? तो अंदर में कितना पोटेंशियल एनर्जी रहेगा? अंदर अंदर रहेगा 0.1 KQ² / r। क्या मेरी बात समझ में आई है? Take your time. Try to understand. We got potential energy for a hollow conducting, hollow non-conducting, solid conducting, and we also got the potential energy for a solid non-conducting sphere. The difference is that hollow conducting, hollow non-conducting, and solid conducting, the potential energy is 0.5 KQ² / r, and for solid non-conducting, it is 0.6 KQ² / r. So difference 0.1 का जो आ रहा है, ये किधर, किस लिए difference आ रहा है? इसलिए डिफरेंस आ रहा है बिकॉज सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर चार्ज होने के कारण इसके अंदर भी इलेक्ट्रिकल फील्ड लाई करेगी। क्या नहीं सब, क्या समझ में आया या नहीं आया? ठीक है निविशा, कोई दिक्कत नहीं है, इसको घर में जाके 10 बार देखो, अपने आप समझ में आएगा। ठीक है, इससे बियॉन्ड में नहीं समझा पाऊंगा अभी फिलहाल, इस मोड से नहीं समझ में आएगा। सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का डिफरेंस समझो पहले, घर में जाओ इस वीडियो को 10 बार देखो, सॉलिड कंडक्टिंग सॉलिड नॉन कंडक्टिंग का डिफरेंस देखो, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ वैसे ही पढ़ना, कोई नया बुक से खुद से ज्यादा होशियारी मत मारना, कुछ समझ नहीं आएगा। सॉलिड कंडक्टिंग सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, ये दोनों स्फीयर में डिफरेंस समझना, जहां जहां चार्ज वहां वहां, जहां जहां मास वहां वहां चार्ज, ये किस टाइप के स्फीयर में होता है? सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। और हॉलो कंडक्टिंग, हॉलो नॉन कंडक्टिंग और सॉलिड कंडक्टिंग में कैसा होता है कि जहां मास रहेगा वहां चार्ज नहीं होता है, चार्ज सिर्फ उसी सरफेस में पॉइंट किया जाता है। तो पोटेंशियल एनर्जी जो हमने दोनों केस में निकाला है, तो दोनों केस में 0.1 KQ² / r का डिफरेंस आया। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में आया 3/5 KQ² / r, और हॉलो कंडक्टिंग हॉलो नॉन कंडक्टिंग या सॉलिड कंडक्टिंग में आया KQ² / 2 r। तो दोनों में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस क्यों आया,
कहां एक्स्ट्रा और पोटेंशियल एनर्जी लगा, पोटेंशियल एनर्जी कहां प्रेजेंट होती है, ये लॉजिक समझो। पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ इलेक्ट्रिकल फील्ड में प्रेजेंट रहेगी, जहां जहां इलेक्ट्रिकल फील्ड रहेगी वहीं पे पोटेंशियल एनर्जी रहेगा, कहीं और नहीं रह सकता। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर का आर रेडियस, दोनों का रेडियस सेम माना है, तो बाहर में इससे बाहर जो इलेक्ट्रिकल फील्ड रहेगी इसका भी 0.5 kq² r और इसका तो 0.5 kq² r ही है, दोनों सेम हो गए। इसका मतलब 0.1 kq² r कहां रहेगा, ये सरफेस से पूरा इनफिनिटी तक चला गया, तो रीजन बचाया सिर्फ इनसाइड द सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, तो सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर 0.1 kq² r पोटेंशियल एनर्जी रहेगी या एनर्जी रहेगी। क्या मेरी बात समझ रहे हो? ठीक है, ठीक है, इसको समझ लो, अपने आप देखो अपने को। हाँ बोल, क्या बात है सुदर्शन, बोल। सर सॉलिड कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग क्यों रहता है? देख सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर जो होता है ना उसमें अलग क्यों रहता है ये बोल पाना बहुत डिफिकल्ट, ठीक है, वो तू शायद अभी नहीं समझ पाए। तू सिर्फ इतना ध्यान रख कि अलग रहता है, अलग कैसा रहता है सॉलिड नॉन कंडक्टिंग में, जहां जहां मास होगा वहां वहां चार्ज होगा, इतना ध्यान रख, ठीक है। जबकि हॉलो कंडक्टिंग, हॉलो नॉन कंडक्टिंग और सॉलिड कंडक्टिंग में पूरा का पूरा चार्ज, जो भी एक्स्ट्रा चार्ज तू देगा वो सिर्फ सरफेस पर रहेगा, ठीक है। क्यों होता है इसको एक्सप्लेन कर पाना डिफिकल्ट इस स्टेज, ठीक है, ओके फाइन, थैंक यू वेरी मच। सो आई विल स्टॉप हियर टुडे, मैंने आज